नमस्कार, सुरमे टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे, टीम इंडिया के कैप्टन हार्दिक ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्मिथ को आउट किया स्कोर 83/2। ईडी ने मनीष सिसोदिया की 7 दिन की रिमांड मांगी, पूर्व डिप्टी सीएम के वकील ने कहा सीबीआई के बाद ईडी को पूछताछ करने की क्या जरूरत। राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस का नोटिस, रेप का शिकार हुई लड़की के बारे में बताने को कहा, भारत जोड़ो यात्रा में किया था जिक्र। असम में बोले हेमंत बिस्वा सरमा, कहा कांग्रेस आज की नई मुगल। वहीं कर्नाटक में कहा राम मंदिर बनता है तो उन्हें आपत्ति होती है। हनुमान चालीसा पर जीतन राम मांझी का विवादित बयान, बोले राम से ज्यादा कर्मठ रावण, उन पर अन्याय हुआ, राम को बताया काल्पनिक पात्र। पवन खेड़ा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 17 मार्च तक गिरफ्तारी से राहत मिली थी, पीएम पर विवादित बयान देने का आरोप। 1 करोड़ घूस मामले पर भिड़ी अमृता और प्रियंका चतुर्वेदी, फडणवीस की पत्नी ने उद्धव गुट की नेता को कहे चतुर और औकात जैसे शब्द। जम्मू कश्मीर से पीएमओ का बड़ा अफसर बताने वाला ठग गिरफ्तार, सेट प्लस सिक्योरिटी के साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी पर चलता था, कई बैठकें भी की। फ्रांस में पेंशन बिल पास, रिटायरमेंट एज 2 साल और बढ़ाई, मैंको सरकार ने बिना वोटिंग पारित कराया, नाराज लोगों का प्रदर्शन तेज। 20 मार्च को 3 दिन के दौरे पर रूस जाएंगे चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग, पुतिन से करेंगे चर्चा। देश प्रदेश की खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए सुरमई टाइम्स के साथ और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।